हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 16 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 17वां चैप्टर है। याद रखिए, आपको ही नहीं मुझे भी बोरिंग लगती हैं विज्ञान की बुक्स, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जो जिनके लिए है, अगर कक्षा 8वीं की बच्चे पढ़ रहे होंगे वो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उन्हें बड़ी साधारण और बड़ी सरल लग रही होंगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी टफ लगती है, क्योंकि जो सरल शब्द होते हैं हमारे लिए बड़े टफ लगते हैं। तो बड़े धैर्य के साथ सुनिए और लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है बता दिया जाता है, ठीक है। तारे एवं सौर परिवार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। गर्मियों की छुट्टी में पहेली तथा बूजो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ बादल नहीं थे, वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। देख लीजिए, पहली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश बिरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उन उनसे संबंधित जान कहानियां सुनाई। रात्रि के प्रकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डाली, आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले, कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं है, दिखते हैं वे ग्रह हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक विदित पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोल की कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका सही ज्ञान सही कैलेंडर पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव, उनकी बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियों में भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंड का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। चंद्रमा क्रियाकलाप 17.1। रात्रि में चंद्रमा का इति दिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से विपरीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। इतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग में चंद्रमा दिखाई देता है। फिर से बता देता हूं, आपको एक क्रियाकलाप पढ़ना है और निकल जाना है, ज्यादा दिमाग मत थपाइए इसमें, ठीक है? क्योंकि आप अगर इन क्रियाकलापों को बैठते रह गए तो 5 से 7 साल इसी में निकल जाएंगे। पर पूरी पंचवर्षीय योजना सिविल सर्विस की तैयारी के लिए लेकर चलना चाहे फिर सप्तमी। आगे देखते हैं, क्या चंद्रमा की आकृति में इति दिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जहां जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं इसे। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, उस दिन को अमावस्या
कहा जाता है। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन के बाद फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माया तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है, महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल कितर मनाई जाती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन की से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भ्रांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। रात, दिन, सूर्य, क्रियाकलाप 17.2। एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए। इसके आधे भाग को सफेद तथा आधे भाग को काले पेंट में पोती है। अपने दो मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या की का वृत्त खींचिए। चित्र 17.4 की तरह। इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े हुए अपने मित्र से गेंद को पकड़ कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहिए। उसे कहिए कि वह घड़े के सफेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातः काल समय में कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को साय शाम के समय कर रहे हैं तो गेंद को के सफेद भाग को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफेद तथा काले भाग को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफेद दृश्य भाग को का प्रेक्षण कीजिए तथा इसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से करिए। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियों एवं संबंधित कलाएं याद रखिए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा से सूर्य की परिक्रमा करती है। यह आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका सूर्य है। देख लीजिए पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिबिंब दिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। क्रियाकलाप 17.3। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपको आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन पूरे किए हैं? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। चंद्रमा
चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का प्रेष्ठ कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के गर्त, इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। चंद्रमा का पृष्ठ देख लीजिए। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे? उनके बाद एडविन एलरेन चंद्रमा पर उतरे थे। इस चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री हैं नासा। तारे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, याद रखिए। अपनी इसरो है, इंडिया की इसरो है। तो रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधेरी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं, इसलिए तारे में बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 15 करोड़। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रक्सिमा सेंचुरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 40 अरब। ये आपकी है, याद रखिए। 4 प्रकाश वर्ष। कितने? 4 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब इनके जीरो गिनते रहिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूरी है। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अनुमात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। हेल्पा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी? 4.3 प्रकाश। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण भी हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों तथा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए, आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत हो रहे हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होने की ही होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत क्यों होते हैं? आइए इसका भी क्रियाकलाप पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 17.4। किसी बड़े कमरे में के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहली याद करती है, जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती तो निकट के वृक्ष एवं भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हम तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो
तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अब समझ में आया कि सूर्य पृथ्वी में पूर्व में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है, हुआ क्यों प्रतीत होता है? ऐसा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। क्रियाकलाप 17.5। एक छाता लीजिए, इसे खोलिए, कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाती के केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार स्पोक के सिर के निकट, कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए इस तरह से। अब छाते के केंद्रीय छड़ की को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए। छाते पर चिपकाए सभी तारों का परीक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहां स्थित होता है जहां आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है, तो क्या वह तारा भी स्थिर होता है? ध्रुव तारा। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, यदि यह गति करता व्यतीत नहीं होता है। देख लीजिए, बात करते हैं तारामंडल। कुछ समय तक आकाश का परीक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृति के समूह बनाते हुए प्रतीत हो गए? पहचाने जाने योग्य आकृतियां वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभी कल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल की एक आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है, रात्रि के आकाश में उसे कहाँ दिखना होगा। ग्रेट बियर, ओरोन, कैसियोपिया, लियोमेजर, सर्व विख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा आरसा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलची अथवा कृष्ण चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलची की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी। सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ समर्थ हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि नक्षत्र वेदों के सस्वस्थ ज्ञान को इंगित करते हैं। मरीच, वशिष्ठ, संगृषि, अत्रि, पुलस्त, ऋतु, पोलय, अलकारत, मिजार, अलियोत, मेकेज, फेगदा, मेरक, डफे। क्रियाकलाप 17.6। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का परीक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप यह परीक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। क्रियाकलाप 17.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश के उत्तरी भाग का परीक्षण करके सप्तर्षि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिरे के 2 तारों को देखिए। चित्र 17.3। 17.13 ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करना। में दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। इन दो तारों
की बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है, यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक निरीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता। क्रियाकलाप 17.8। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तर्षि का 3 से 4 बार वीक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तर्षि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? अपने प्रेक्षण की तुलना चित्र 17.14 में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए कि कुछ तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। ओरोन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरोन को शिकारी भी कहते हैं। इसके तीन मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियस लोथक है, ओरोन के निकट दिखाई देता है। सिरियस को ढूंढने के लिए ओरोन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। इसके अनुदेश पूर्व की दिशा की ओर देखिए। इस दिशा के अनुदेश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा, यह सीरियस है आपका। देखिए इसमें, यह आपका सीरियस। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसी कैसी यूपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े विक्र रूप जैसा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं, किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि हम अपने नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हम से समान दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में है। देखिए असंख्य तारे दिख रहे होंगे। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह हो गया, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें याद रखना है, ठीक है? यह आपका सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सौर परिवार है। सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य दर्शाया गया है। सौर परिवार में 9 ग्रह। क्या आप जानते हैं कि सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे? कितने? 9। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अब यह सौर परिवार का ग्रह भी नहीं है। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है।
बात करते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। याद रखना इस पॉइंट को कि ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों और ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तारों में अंतर करने की सर्वोत्तम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। क्रियाकलाप 17.9। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। चित्र 17.8 17.18 इस तरह से दर्शाए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर, 3.8 मीटर त्रिज्या के साथ गेंद वृत्त खींचिए। अपने किसी एक मित्र से गेंद पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपके अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। यद्यपि सामान्यतः में इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए भी उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। प्राचीन भारत में खगोल की लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलीय की का एक उल्लेख है। खगोल की में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट यहाँ थे। खगोल की पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन की रचना आर्यभट्टीयम में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE में लिखा था। उनके द्वारा परिकल्पित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल है कि प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट था। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र एवं सूर्य ग्रहणों को भी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। अब हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यंत निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्य से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात
इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वही वही दिखाई देता है जहां व्यक्तियों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना। सूर्य ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। कभी कभी शुक्र पूर्व आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसीलिए इसे प्रभात तारा यानी कि प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में से ढूंढने का प्रयास किया। शुक्र का अपना कोई उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी, याद रखना, शुक्र ग्रह आपका पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा घूर्णन करता है, जबकि आपकी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में की ओर गति करती है। ठीक है, पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व दिशा में। क्रियाकलाप 70.10 किसी समाचार पत्र पंचांग अथवा जंत्री में देखकर पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान कीजिए, इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए कि शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता है। आपको या तो सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का प्रेक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। शुक्र की कलाएं। अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है, यानी कि जीवन है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना ही सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप, परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रहे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के बृहस्पति पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा, जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है ये पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। चलते हैं आगे। अगला आपका ग्रह है मंगल। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताप प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगलयान की बात बारे में बात कर लेते हैं। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगलयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को विकसित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की ग्रह यानी कि कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना है। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करती है। याद रखना, इसके
79 यानी कि 79 उपग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति के। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। बृहस्पति उसके चार बड़े उपग्रह। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन के सहायता से करें तो आप इसके चार प्रमुख बड़े चंद्रमा भी यानी कि उपग्रह भी देख सकते हैं। बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। बृहस्पति के परे शनि जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका परीक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत आपके प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहले पता है बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अभी 20 नए शनि के उपग्रह खोज लिए गए। इस प्रकार उसके टोटल 82 हो गए। शनि के कितने उपग्रह हैं? 82, जबकि आपके बृहस्पति के 79 यानी कि 79, ठीक है। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अब बात करते हैं हम लोग यूरेनस और नेपच्यून। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूर्य की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। यूरेनस शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। बाकी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। इसकी विलक्षण विशेषता इसकी इसका अत्यधिक झुकाव घूर्णन है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सापतित होता है। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अन्य चारों ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इसे इन्हें आप लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून नेपच्यून, ये आपके आंतरिक ग्रह की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों की अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। बात कर लेते हैं सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। चित्र देख रहे हैं आप लोग, 17.25, ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल के बीच। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को केवल बड़े दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। ऐसा बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग आपका हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार
ये कब देखा जाएगा? तो 86 में 76 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 8 और 7 15 16, यानी कि 2062 में है, इतना ही हुआ। देख लीजिए कहीं गलत हो जाए मुझसे, फिर आप लोग कहें कि गलत बताती है। 2062 में धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेश वाहक हैं, परंतु ये सब मिथक हैं, कल्पित मान्यताएं तथा अंधविश्वास हैं। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है, इनसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। उल्काएं और उल्कापिंड। रात्रि के समय में जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार, सातपुड़ता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण एक तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ से भी वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। इस तरह से कुछ उल्कापिंड आकाश में इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार आपका बना हुआ है। उल्का वृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन्हें आप लोग उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। बात करते हैं कृत्रिम उपग्रहों के बारे में। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं, इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया जा गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण और प्रमोचन किया। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना फल, फर्स्ट एडुसेट एजुकेशन के लिए था आदि। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में भी किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। देखिए हैं कुछ भारतीय उपग्रह। तो अध्याय में आपने क्या क्या जाने हैं देख लीजिए। कृत्रिम उपग्रह देखे हैं, क्षुद्र उपग्रह देखे हैं, क्षुद्र ग्रह कैसी यूपिया, खगोलीय पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्का पिंड, उल्का के बारे में जाना है, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा के बारे में जाना है, ओरोन, चंद्रमा की कलाओं के बारे में, ग्रह के बारे में जाना है, ध्रुव तारा के बारे में जाना है, सुदूर संवेदन के बारे में जाना है, सौर परिवार तारों के बारे में जाना है, सप्तऋषि के बारे में जाना है। तो अगर आप लोग अध्याय पढ़ने के बाद इन शब्दों की परिभाषा देने में सक्षम है तो आपने अध्याय धैर्य के साथ पढ़ा है, और आप अगर धैर्य के साथ पढ़ते हैं अच्छे से मन लगाकर तो इन शब्दों की परिभाषा देने में सक्षम होंगे। आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारे की दूरियों को प्रकाश वर्ग में वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे
पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किंतिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी की बहुत निकट है। किंतिम उपग्रह का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा दूर संवेदन में किया जाता है। अब इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए, देख लेना अभ्यास के लिए। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, उसे अपने पास रख लीजिए निकाल कर, अगर कभी लगे या फिर भी मन लगे कि हम समझ में नहीं आया है तो उसे पढ़ सकते हैं आप लोग एक बार। मन से पढ़िए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जिसे आप लोग समझ ना सकें। बस बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब हमारे सरल शब्द होते हैं तो हमें बड़े बोरिंग लगते हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए। इन्हें देख लीजिए, परिमर्मण काल है, ग्रहों का घूर्णन काल है। जैसे आपकी पृथ्वी है 365.25 दिन में परिभ्रमण काल करती है, 24 घंटे में अपना घूर्णन करती है। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खगोलज्ञ जिसका नाम निकोलस कोपरनिकस था, ने उल्लेख किया कि सूर्य और सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस प्रकाशन का उनकी मृत्यु वाले वर्ष यानी 1553 में हुआ, 1543 में। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का परीक्षण किया। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। इस प्रकार आप देखते हैं कि विचार तथा धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं। क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध हैं तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई अवधारणाओं को अपना लेते हैं? कल्पना चावला, अंतरिक्ष में आपकी प्रथम भारतीय महिला। कल्पना चावला भारत प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका जन्म करनाल हरियाणा में 17 मार्च 1962 को हुआ। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में से अपनी विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में से प्राप्त की। 1982 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की मास्टर डिग्री तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की। 1988 में उन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ किया। 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला दूसरी भारतीय व्यक्ति है। दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वह भी थी। वह विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला है। तो ये आपका 17वां चैप्टर था। लास्ट चैप्टर बचता है 18वां, उसमें देखें हम लोग
वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में, ठीक।